लखीमपुर की दौड़, विपक्ष में मची होड़, ये सवाल इस वक्त चूंकि जिस तरह से चीजें हो रही हैं उसको लेकर उठ रहा है। लखीमपुर हिंसा के बाद से ही इस पर विपक्षियों की सियासत जारी है। चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियां इस घटना को मौके के तौर पर साधने की कोशिश में जुटी हुई हैं। ऐसे में आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा भी लखीमपुर जाएंगे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनके साथ संवेदना प्रकट कर हिंसा में अपनी जान गंवा चुके किसान और पत्रकार रमन कश्यप को श्रद्धांजलि देंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। एक तरफ सतीश चंद्र मिश्रा भी आज लखीमपुर जाएंगे और दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी आज लखीमपुर खीरी जाएंगे। इस मामले को लेकर लगातार सियासत हो रही है और इसी कड़ी में कल जो कुछ हुआ वो हम सबने देखा और अब अखिलेश यादव लखीमपुर खीरी जाएंगे, साथ ही सतीश चंद्र मिश्रा भी लखीमपुर जाएंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। चुनाव नजदीक और इससे पहले इस घटना को मौके के तौर पर साधने की कोशिश में तमाम विपक्षी पार्टियां जुटी हुई है। इसी कड़ी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र भी लखीमपुर जाएंगे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे, उनके साथ संवेदना प्रकट कर हिंसा में अपनी जान गंवा चुके किसान और पत्रकार रमन कश्यप को श्रद्धांजलि देंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम इस वक्त जुड़ गए हैं। शुभम, चूंकि लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर लगातार सियासत हो रही है और इसी कड़ी में आज अखिलेश यादव भी लखीमपुर खीरी जाने हैं और सतीश चंद्र मिश्र भी लखीमपुर खीरी जाने वाले हैं, अभी क्या अपडेट है? देखिए, उत्तर प्रदेश में जब ये लखीमपुर के किसानों के साथ जो घटना हुई तो उस दिन से ही उत्तर प्रदेश में तमाम राजनीतिक पार्टियां इसे एक अवसर के तौर पर देख रही थी, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, पहले ही दिन उनके उन्होंने निकलने का प्रयास किया, उसके अगले दिन अखिलेश यादव, फिर उसके बाद संजय सिंह, ये तमाम ऐसे नेता जो उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। तो ऐसे में किसानों के साथ हुई इस घटना को पूरी तरह से अवसर के तौर पर राजनीतिक दल देख रहे हैं। पहली चीज, जब इन सबको जाने के लिए वहां पर अनुमति नहीं मिली तो ये सब निकलने का प्रयास करते रहे, लेकिन लगातार उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा वहां पर कानून व्यवस्था को पूरी तरह से स्थापित करने के लिए ऐसे में राजनीतिक पार्टियों को वहां पर जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। इसके बाद अब जब कल राहुल गांधी भी इस पूरे मामले को तूल देना चाह रहे थे तो वो भी राजधानी लखनऊ में आए हुए थे, लखीमपुर जाना चाह रहे थे, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा वहां पर तमाम तरह की व्यवस्थाएं, कानून लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था जब पूरी तरह से दुरुस्त हो गई उसके बाद एक एक करके दी जाने लगी। अब इसी कड़ी में जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वहां पर किसानों से मिल रहे हैं तो ऐसे में तमाम विपक्षी पार्टियां भी इस पूरे अवसर को बुनाना चाहती हैं और वहां पर जाकर के अपने लिए किसानों के वोट बैंक को अपनी तरफ खींचना चाहती है। तो ऐसे में इसी कड़ी में आज उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, बसपा से राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा और ये दोनों ही नेता लखीमपुर में होंगे। लगभग 10 बजे के आसपास बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा यहां से लखीमपुर के लिए निकलेंगे तो वहीं अखिलेश यादव भी 1 बजे लखीमपुर पहुंच जाएंगे। लखीमपुर में आप बने रहिए हमारे साथ, यानी कि जो महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, अखिलेश यादव 1 बजे निकल जाएंगे और सतीश चंद्र मिश्रा करीब 10 बजे यहां से रवाना हो जाएंगे। दिलीप भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। दिलीप, अगर बात की जाए तो तमाम सियासी पार्टियां इस वक्त इस घटना को मौके के तौर पर साधने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में अखिलेश यादव भी आज लखीमपुर खीरी आने वाले हैं और इसके अलावा सतीश चंद्र मिश्र भी लखीमपुर खीरी आने वाले हैं, अभी वहां से क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार नेताओं का किसानों के परिजनों के पास जाने का सिलसिला शुरू हुआ है, जो कल रात से शुरू हुआ है, अब लगातार 1-2 दिन इस तरीके से पॉलिटिकल टूर वहां पर देखने को मिलेंगे। हर कोई विपक्ष का नेता, हर कोई नेता इस समय जिस तरीके से पूरा मामला हुआ है उस तरीके से सरकार को घेरने के लिए और सरकार को चूंकि एक अवसर के रूप में इसको स्थापित करने के लिए वहां पर आ रहा है। और यहां पर अगर बात करें तो क्योंकि काफी फोर्स अभी तक डिप्लॉयमेंट है लखीमपुर खीरी में, पूरी तरीके से छावनी में कल जिस तरीके से प्रियंका और राहुल का दौरा हुआ था, पूरा सुरक्षा व्यवस्था एक चैलेंज था, तो लेकिन फिर भी प्रशासन ने पूरी तैयारियां की थी और सकुशल जो है लखीमपुर की खीरी का दौरा संपन्न कराया था। इसी क्रम में आप चाहे सतीश मिश्रा जी हो और चाहे आपके अखिलेश यादव हो, सभी लखीमपुर खीरी की ओर रुख कर रहे हैं क्योंकि इसका पॉलिटिकल माइलेज जो है लेने का प्रयास में ये लोग जो लखीमपुर खीरी का दौरा कर रहे हैं। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास लौटूंगी मैं। तो ये
महत्वपूर्ण जानकारी हम आपसे साझा कर रहे थे। इससे पहले कल की बात करें तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ लखीमपुर खीरी पहुंचे, जहां उन्होंने पहले पलिया कला के रहने वाले मारे गए किसान लवप्रीत के घर पर वो गए और पीड़ित परिजनों से मुलाकात की, जिसके बाद मृतक पत्रकार रमन के परिजनों से भी मुलाकात की। राहुल गांधी के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल मौजूद रहे, जहां से देर रात सभी पीड़ित परिजनों से मुलाकात के बाद सभी नेता लखनऊ के लिए रवाना हो गए। ये दो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब पत्रकार के परिजनों से प्रियंका गांधी राहुल गांधी की मुलाकात हुई, और दूसरी तस्वीर किसान के परिजनों से मुलाकात की भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये दोनों ही तस्वीर कल की इस वक्त आप देख रहे हैं। देर रात प्रियंका गांधी राहुल गांधी लखीमपुर खीरी पहुंचे और वहां पर पीड़ित परिजनों से उन्होंने मुलाकात की है। काफी हंगामा भी कल देखने के लिए मिला। सीएम भूपेश बघेल उनके साथ मौजूद रहे, चरणजीत सिंह चन्नी भी उनके साथ मौजूद रहे। रिपोर्ट है इसमें कुछ मतलब जो लिखा है कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इनको, तो ये इनकी समस्या है। दोनों परिवारों ने कहा है कि न्याय चाहते हैं और चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने ये किया, जो सब लोग जानते हैं किसने किया, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। उनकी अरेस्टिंग नहीं हो रही है और उनके जो पिता हैं वो होम मिनिस्टर हैं स्टेट के, तो अरेस्टिंग होगी भी नहीं। इसलिए हम यहाँ आए हैं, भैया इस माइक को नीचे करिए, इसलिए हम यहाँ आए हैं परिवार की मदद करने के लिए और यहाँ थोड़ा दबाव डालने के लिए कि इन परिवारों को न्याय मिले। और सद जानकारी के लिए दिलीप हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। दिलीप, कल देर रात की लगातार तस्वीरें दर्शकों को हमने दिखाई है, किस तरह से पत्रकार के घर पर राहुल गांधी पहुंचते हैं, प्रियंका गांधी किसानों के घर पर पहुंचते हैं और उनके साथ मुलाकात करते हैं, सांत्वना देने की कोशिश की जाती है। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट का एक यही मामला नहीं जिस पर सवाल खड़े किए गए। इससे पहले एक नानपारा का जो गुरविंदर सिंह है उसकी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए गए थे, जिसको लेकर टिकैत फिर से एक तरीके से दबाव बनाने के लिए वहां पर पहुंच गए थे, नानपारा पहुंच गए थे। उसके बाद डॉक्टरों के, पांच डॉक्टरों के पैनल थे जिसमें एम्स के भी डॉक्टर शामिल थे, लोकल के भी डॉक्टर थे, उनके पैनल से पोस्टमार्टम कराया गया था। लेकिन धाक के तीन पास रिजल्ट वही था जो फायर लगने की बात किसान के परिजनों द्वारा कही जा रही थी, जिसके विधायक पर पुनः पोस्टमार्टम कराया गया था वो नहीं मिली। तो कुल मिला के इनको भी कुछ इसी तरीके से छोटी सी शिकायत यही है कि उनके भी उनके पोस्टमार्टम स्टाफ रिपोर्ट जो उनको रिपोर्ट की जो क्लीननेस पे है उस पर सवाल उठा रहे हैं। बाकी जिस तरीके से पूरा मामला अभी तक देखने में आया कोई ऐसी बात नहीं, आठों पोस्टमार्टम हो चुके हैं और एक का रिपीट भी हो चुका है। तो कुल मिला के अभी तक जो है स्थिति अभी तक की जो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका दिलीप तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।